मनसुख मंडाविया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अमिताभ बच्चन जी जो कह रहे हैं हेल्थ जर्नलिज्म, स्वास्थ्य के बारे में पत्रकारिता, अक्सर ये माना जाता है कि हेल्थ बीट, एजुकेशन बीट, ये जर्नलिज्म में कोई बहुत बढ़िया बीट नहीं है। जब तक कोई बढ़िया पॉलिटिकल स्टोरी ना लेकर के आओ तब तक दर्शक भी रुचि नहीं रखेगा, लोग भी नहीं देखेंगे। लेकिन आज इस मुहिम की घोषणा हुई है कि स्वास्थ्य पत्रकारिता को आगे रखना है और उसके ब्यूरोज बनाने हैं उसके बारे में, ताकि लोगों तक इसके बारे में पहुंचाया जाए। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार? मैं कहूंगा कि आज तक जो होगा होगा, लेकिन पोस्ट कोविड एरा बदल गया है। अब भी स्वस्थ भारत के लिए या तो स्वास्थ्य के लिए पत्रकारिता के लिए प्रायोरिटी हो गई है। मैं वीक में एक बार मीडिया के साथ इनफॉर्मल डिस्कस करता हूँ, तो पहले कम आते थे लेकिन अभी बड़ी संख्या में आते हैं। क्या कर रहे हैं बताओ, क्यों किया, कैसे किया, वो क्या होने वाला है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। यानी कि समय बदला है और लोग अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हुआ है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पत्रकारित्वा एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और ये जो आपका कार्यक्रम है ना, बनेगा स्वस्थ इंडिया, वो मैं तो पहले आपको बधाई दूंगा कि आप 10 साल तक टिक पाए। शुरुआत तो कर लेते हैं लोग, लेकिन बाद में कंटिन्यूस करना मुश्किल होता है। आप 10 साल तक कंटिन्यूस कर गए और फिर आगे चलाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, आपका समय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी को भी और रैकेट को भी, जो इस भागीदारी में हम लोगों के साथ रहे। और 9 सीजन पूरे हुए हैं और 10वें की अब बात चल रही है।